ठीक है सब, टीम चटोरा चटोरी इज इन देहरादून एंड देहरादून के पल्टन बाजार एरिया को हम पहले कवर कर रहे हैं। हो सकता है आप मेरे पीछे वो क्लॉक टावर जो है वो भी देख पा रहे हो। सबसे पहले पल्टन बाजार में घुसते ही वी आर गोइंग टू कवर गेलॉर्ड्स आइसक्रीम। तो चलो सीधा चलते हैं गेलॉर्ड्स की आइसक्रीम ट्राई करने और आपको बताते हैं कि यहाँ की आइसक्रीम कैसी है। दोस्तों आज चटोरा चटोरी की टीम आ पहुँची है गेलॉर्ड, गेलॉर्ड एक्सप्रेस जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे एक बेकरी भी है। और ये हमें पल्टन बाज़ार के अंदर, वो रहा हमारा घंटाघर, ये है पल्टन बाज़ार। और पल्टन बाज़ार में घुसते ही आपको ग्रीट करता है ये गेलॉर्ड एक्सप्रेस। तो गेलॉर्ड एक्सप्रेस की जो आइसक्रीम है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट जब मैं ही देहरादून में नया नया आया था तो सबसे पहले सब लोगों ने मुझे सजेस्ट करा कि एक बार गेलॉर्ड्स की आइसक्रीम खा लो। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको अंदर, हमारे साथ आप भी चलिए और ट्राई करते हैं गेलॉर्ड्स की आइसक्रीम। एंटर कर रहे हैं हम लोग गेलॉर्ड और सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको सबसे आगे दिख जाएगी इनकी आइसक्रीम्स एंड दिस इज़ दी होल काउंटर जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे आइसक्रीम के। सबसे पहले आपको आके यहाँ पे एक टोकन लेना पड़ता है, आंटी बैठी हुई हैं, आंटी आपको टोकन देंगी, उसके बाद में यू कैन हैव योर आइसक्रीम हेयर। तो हम कौन सी आइसक्रीम लें, हम लेते हैं चॉकलेट वाली। आंटी चॉकलेट आइसक्रीम दे दीजिएगा, एक सिंगल स्कूप 35। आंटी आंटी ऐसा सा बिल मिलेगा आपको और ये बिल मुझे वहाँ पे देना है, उसके बाद आई गेट माय आइसक्रीम। गाइस ये आ गई हमारी चॉकलेट आइसक्रीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो भैया, आपका नाम क्या है? बख्शीश जी भैया। बख्शीश सिंह। बख्शीश सिंह भैया, भैया आप ओनर हो इस प्लेस के? जी जी। थोड़े दो तीन सवाल हैं छोटे छोटे मेरे आपसे, क्योंकि बहुत क्राउड है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल भैया, मेरा नाम अली है, मैं टीम चटोरा चटोरी की तरफ से रामपुर से यहाँ पे आया हूँ और देहरादून की भैया मैं आपको बता दूँ फर्स्ट प्लेस है जो गेलॉर्ड आइसक्रीम मैंने कवर करा है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। भैया कब एस्टैब्लिश हुआ था अपना? 1968। सो आप थर्ड जनरेशन हो? जी जी। जो इसको कैरी आउट कर रहे हैं भैया, क्या स्पेशलिटी है आपकी आइसक्रीम्स में जो पूरे इंडिया से लोग खींचे चले आते हैं देहरादून आते ही? सर हमारी जो सॉफ्ट सर्व है वो स्पेशल क्रीमी है, एक्स्ट्रा क्रीमी भी नहीं है। तो आप इसको खुद इन हाउस? हाँ बिल्कुल, खुद इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं इसके। अच्छा भैया, अगर कोई आता है पहली बार देहरादून तो आप ये बताइए कि वो यहाँ पहुँचेगा कैसे? क्लॉक टावर सबसे प्रोमिनेंट लैंडमार्क है, बस उसी पे पल्टन बाजार में एंटर करते ही थर्ड शॉप। ठीक है, और अपने यहाँ पे और क्या क्या फेमस सर्व होता है? सब कुछ, वी सर्व ऑल कुजीन, साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, एवरीथिंग इज अवेलेबल। आपका फेवरेट क्या है यहाँ का? सर मेरा बस तो फेवरेट आल है साउथ इंडियन। साउथ इंडियन है। चलिए भैया बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक्स अ लॉट, आपने अपना टाइम दिया। चलो भैया थैंक यू। गाइस हमारे पास हमारी चॉकलेट आइसक्रीम जो है वो हमारे हाथ में आ चुकी है एंड ऑल्दो मैं पहले बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, बट फॉर द सेक ऑफ यू गाइस, फॉर द सेक ऑफ द वीडियो, मैं एक बड़ा सा बाइट लेके आपको बताऊँगा कि कैसा टेस्ट है। गाइस ऑनेस्टली टेलिंग यू, दिस इज नॉट अ रेगुलर चॉकलेट आइसक्रीम जो कि आपको हर जगह हर नुक्कड़ कोने पे मिल जाएगी। इट इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी टेस्टी। एक रीज़न है जो यहाँ पे इतनी भीड़ लगती है, हमें आधा घंटा वेट करना पड़ेगा कि क्राउड थोड़ा सा क्लियर हो जाए तो हम यहाँ की अपनी आइसक्रीम जो है वो टेस्ट कर सकें। और अभी कमिंग बैक टू द आइसक्रीम, दिस इज़ डिलीशियस थम्स अप। अगर देहरादून आ रहे हो तो एक दफ़ा पल्टन बाज़ार जैसे ही घुसोगे वैसे ही अंदर आके इनकी आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करना एंड देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स। मेरा फेवरेट जो है वो है ब्लैक करंट और ये चॉकलेट। एक बाइट और लेते हैं। बहुत सारे चॉको चिप नट्स पड़े हुए हैं इधर उधर दिख रहा हूँ, बहुत सही है, मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, आई हैव हैड अ लॉट ऑफ आइसक्रीम्स इंडिया के पता नहीं कितनी सारी जगह में, बट ये दिस इज़ डिफरेंट। मैं ये नहीं बोलूँगा दिस इज़ बेस्ट, बट दिस इज़ वेरी डिफरेंट और जितनी बार भी आओगे दिस इज़ एडिक्टिव। जितनी बार भी मैं पल्टन बाज़ार आता हूँ, देहरादून आता हूँ, मैं एक दफ़ा यहाँ आके इनकी ये आइसक्रीम ज़रूर ट्राई करता हूँ। सो थम्स अप टू दैट एंड इसी के साथ दिस इज़ अ रैप टू आर वेरी शॉर्ट और वेरी फन वीडियो कवरिंग गेलॉर्ड्स आइसक्रीम एंड फिर से सजेस्ट कर रहा हूँ देहरादून आना ज़रूर खाना। चलो भाई बहुत भीड़ है।